हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मारुति सुजुकी बलेनो 2024 के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बताऊंगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अपने राइवल से स्टैंड आउट कराती हैं, एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आपको इस गाड़ी को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। सो जो मेरे सामने गाड़ी है वो है इसका अल्फ़ा वेरियंट, बट जो मैं फीचर्स एंड पॉजिटिव आपको बताऊँगा वो इसके ऑलमोस्ट सारे वेरियंट्स में ही आपको अवेलेबल होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दी इंजन ऑफ द कार। मैंने इस गाड़ी को अराउंड 2000 किलोमीटर चला लिया है, एंड जो बेस्ट थिंग है वो इसका इंजन ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो इसमें हमको मारुति का फेमस 1.2 लीटर K12 पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। इट इज़ अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन जो बहुत ही गाड़ियों में आया है मारुति के। एंड अब ये इंजन और वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं स्विफ्ट में अब एक 3 सिलेंडर इंजन दे दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंजन ख़राब है, बट स्टिल अ 4 सिलेंडर इज़ बेटर, एंड ये इंजन बहुत ही अच्छा है, वेरी रिफाइंड, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ माइलेज। मुझे एवरेज माइलेज सिटी में 18.5 की मिलती है इससे विद अ लाइट फुट, एंड बहुत अच्छा इंजन है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, अराउंड 88 BHP पावर है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट मेक्स इट स्टैंड आउट। जो रिफाइननेस है वो और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ द सस्पेंशन ऑफ द कार। ट्रस्ट मी, अब सस्पेंशन आप बेस्ट तो एक्सपीरियंस कर पाओगे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके, बट बहुत अच्छा सस्पेंशन है, एंड आई थिंक पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छा सस्पेंशन इसी गाड़ी में है। वेरी स्मूथ एंड थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है, सो सिटी ड्राइव एंड फैमिली हैचबैक के हिसाब से इट हैज़ बीन ट्यून्ड प्रीटी वेल। बहुत अच्छे से बम्प्स को एब्जॉर्ब करती है गाड़ी, एंड स्टिफ नहीं है जैसे बाकी i20 N9 में, तो ऑब्वियसली स्टिफ सस्पेंशन है बिकॉज इट इज़ मेड फॉर दैट स्पोर्टीनेस, बट इसको बहुत ही अच्छा सिटी वाइज कैलिब्रेट करके इंडियन रोड्स के हिसाब से बनाया है, सो द सस्पेंशन इज अ प्लस पॉइंट। द थर्ड प्लस पॉइंट ऑफ द कार इज द स्पेस। सेगमेंट लीडिंग स्पेस है, एंड पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी यही है। अब ये सीट मैंने अपने हिसाब से पीछे करी हुई, आई एम 6 फुट टॉल, एंड आप देख सकते हैं तब भी काफ़ी स्पेस है अगर मैं आपको बैठ के दिखाऊँ। सो स्टिल मैनेजेबल स्पेस, एंड स्पेस काफ़ी अच्छी गाड़ी में, इट फील्स एयरी, इट इज़ वाइड, सो दिस इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। सो इस गाड़ी में जो बूट स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो सेगमेंट लीडिंग, काफ़ी बड़ा बूट मिल जाता है, सो अच्छी खासी स्पेस है, ऑल्दो इट इज़ नॉट क्लीन, बट मुझे आपको रेफरेंस के लिए दिखाना था। अनदर प्लस पॉइंट जो आपको मिलेगा सिर्फ अगर आप जीटा एंड अल्फा वेरियंट देखेंगे, दैट इज़ द LED हेडलैम्प्स। इस गाड़ी में हमको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है LED हेडलैम्प्स में, एंड द थ्रो इज़ वेरी गुड, आई थिंक सेगमेंट बेस्ट थ्रो है इनका। ऑल्सो बेस वेरियंट से ही हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट उनमें हमको येल्लो लाइट मिलती है, जिसमें हमको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। बहुत अच्छा थ्रो है, एकदम क्लियर कट क्रिस्प थ्रो मिलता है। मैं एक और क्लिप लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि रात में इसका थ्रो कैसा है। अनदर थिंग जो आपको एप्लीकेबल होगी जीटा में एंड अल्फा वेरियंट में, दैट इज़ द फुली लोडेड इंटीरियर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका अल्फा वेरिएंट है, सो आप देख सकते हैं कितना फीचर लोडेड है। यहाँ पर हमको एक हेड्सअप डिस्प्ले मिल जाती है, यहीं पे हमको जो मारुति की प्रीमियम गाड़ियाँ हैं जैसे ग्रैंड विटारा है, एंड और भी जो गाड़ियाँ जैसे फ्रॉन्क्स हो गई, उनमें जो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इन्फोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है 9 inches की, वो इसमें भी आती है। ऑल्सो हमको 360 degree कैमरा मिलता है इस गाड़ी में, आप देख सकते हैं। सो फीचर्स में ऐसा नहीं है कि जो मारुति की प्रीमियम गाड़ियाँ हैं और इसमें कोई डिफरेंस है, एंड ऑल्सो द ओवरऑल फील ऑफ द इंटीरियर भी वैसी ही है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स वैसा ही है, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो दिस वॉज इट अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ द बलेनो 2024। अगर आपको कोई भी और पॉजिटिव लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन श्योरली आस्क मी। डू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू कमेंट योर व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।